नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त कमल जरियाल और स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल पहाड़ी ब्लॉगर में। तो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में हम आपको, तो मेरे पीछे जो आप ये धार देख रहे हैं, इसके पीछे का जो जंगल है वो एक घना जंगल है। आज हम आपको उसके जो खूबसूरत दृश्य हैं उन पर लेके चलेंगे। तो बने रहिए मेरी इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलते हैं शिखरी धार के पीछे की तरफ। तो दोस्तों, अब हम जो आप पीछे देख रहे हैं पहाड़, इन पर ट्रैकिंग करेंगे और ये शिखरी धार जो आप पीछे देख पा रहे हैं, इस धार के ऊपर जाएंगे और इसके पिछले तरफ एक बहुत ही घना जंगल है। हम वहाँ पर जाकर देखेंगे कि वहाँ पर अभी बर्फ है या नहीं। दोस्तों, ये है वो रास्ता जहाँ से होते हुए हम शिखरी धार को जाएंगे और उसके पिछली तरफ जंगलों में जाएंगे आज। तो बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, रास्ता तो आप ये देख ही रहे हैं कि कितना खतरनाक रास्ता है ऊपर जाने के लिए। ये बड़े बड़े पहाड़ ये मेरी नीचे की तरफ, तो आप देख ही रहे हैं, अगर यहाँ से कोई नीचे गिर जाए तो बचने का तो चांस ही नहीं बनता है। तो चलिए चलते हैं ऊपर की तरफ। दोस्तों, जो हमारे साथ आज वीडियोग्राफी करने के लिए आए हैं, आज मैं उनसे मिलवाता हूँ आपको। तो मिलिए मेरे छोटे भाई से। हाय गाइस, भाई के चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर देना। आज ये हमारे साथ वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं शिखरी धार के ऊपर बसे माता कोटीवाड़ी के मंदिर पर, जो अब हम यहाँ पर माथा टेकेंगे और उसके बाद हम जो पिछली तरफ, जो धार के पिछली तरफ का दृश्य है, घना जंगल है, उस पर जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर माता रानी के चरणों में अपना माथा टेक लेते हैं और फिर चलते हैं। दोस्तों, हम जो आप नीचे देख रहे हैं, वहाँ से होते हुए लगभग 3-4 किलोमीटर की चढ़ाई लगाकर अब लगभग हम पहुँच ही चुके हैं। अब हम आपको वो देखिए पीछे जो बचा है, अब तो लगभग हमारा आधे घंटे का रास्ता बचा है। हम वो पहाड़ जो देख रहे हैं, हम इसके पिछली तरफ जाएंगे। तो थोड़ी थोड़ी बर्फ़ तो हमें वैसे यहाँ से नज़र आने ही लगी है। तो चलिए मिलते हैं हम अब पिछली तरफ घने जंगलों में। गाइस, थोड़ी थोड़ी बर्फ़ तो हमें यहाँ पर मिलना शुरू ही हो गई है। अगर आप सामने का व्यू देखोगे तो वो भी काफ़ी खूबसूरत है। तो चलते हैं ऊपर की तरफ। अभी ऊपर बहुत ऊपर तक जाना है हमें, तो देखते हैं ऊपर क्या बनता है ऊपर जाकर। दोस्तों, हमने सोचा नहीं था कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा बर्फ़ मिलेगी। अभी हम ऊपर पहुँचे तो नहीं हैं, आधे रास्ते पर ही हैं, लेकिन जब हम साइड से होकर चल रहे थे तब हमने यहाँ पर बर्फ़ देखी तो दोस्तों, अगर बर्फ़ की हाइट की बात करें तो आपको हम दिखाते हैं कि लगभग यहाँ पर लगभग भी हुई तो 1.5 फुट से ऊपर ही है, लगभग 2 फुट तक यहाँ पर बर्फ़ है। और हम आपको बर्फ़ से जम चुकी एक सुई दिखाएंगे। देख पा रहे हैं आप, ये देखिए। ये देखिए गाइस, ये बर्फ़ से जम चुकी है एक, जो पानी बहता था फिर जम चुका था कील, जो कि काफ़ी नुकीली भी लग रही है। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं पहाड़ के ऊपर और यहाँ पर हमने ऊपर आके देखा तो उतनी बर्फ़ नहीं थी, पहाड़ पर तो उतनी बर्फ़ है भी नहीं, लेकिन वो नीचे यहाँ पर एक जंगल है, उस जंगल में काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है, लगभग भी हुई तो 1.5 फुट के ऊपर ही बर्फ़ है। तो चलिए नीचे जंगल की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि कितनी बर्फ़ है यहाँ पर। देखिए दोस्तों, आज हम कितने दूर से आए हैं और लगभग 4 किलोमीटर से ऊपर तक का सफ़र हमने तय किया और हम पहुंच चुके हैं पहाड़ पर। ये देखिए घना जंगल, बर्फ़ भी काफ़ी है यहाँ पर, लगभग 1.5 फुट से ऊपर बर्फ़ है, जंगल भी ठीक ठाक घना है। तो चलिए नीचे जंगलों में चलते हैं और देखते हैं कि वृक्षों की लंबाई लगभग कितनी है, बर्फ भी यहाँ पर ठीक ठाक ही है। दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर जंगलों में। ठंड का तो अब क्या ही बोले, आप देख ही सकते हैं नीचे बर्फ़ भी ठीक ठाक ही है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर
पहले यहाँ पर बाघ भी हुआ करते थे लेकिन अब नहीं होते हैं। टाइगर लॉयन वगैरह पहले हुआ करते थे लेकिन अब नहीं होते हैं। तो काफ़ी घना जंगल है, ठंड भी बहुत ही है। तो अब हम नीचे की तरफ ज़्यादा नहीं जाएंगे, तो देखते हैं क्या बर्फ़ की हाइट कितनी है यहाँ पर। दोस्तों आप वृक्ष की हाइट तो देख ही सकते हैं, वृक्षों की हाइट इतनी है कि हमारी नज़र ऊपर तक पहुँचने में काफ़ी समय लगता है। तो बर्फ़ की बात करें तो अभी तक बर्फ़ यहाँ पर गली नहीं है। तो वृक्ष भी काफ़ी बड़े बड़े हैं, काफ़ी घना जंगल है। और खूबसूरती के नज़ारे की अगर हम बात करें तो बेहद खूबसूरत नज़ारा है। तो एक नीचे जो आप देख पा रहे हैं वृक्ष है, देखते हैं इसकी हाइट और इसकी चौड़ाई कितनी है। मैं आपको इसके नीचे तक लेके चलता हूँ। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी बड़ा वृक्ष है ये। ये देखिए काफ़ी बड़ा वृक्ष है। और वो देखिए वृक्ष के ऊपर बर्फ टिकी हुई है, अभी तक नीचे नहीं पहुंची है ये। वृक्ष के ऊपर भी बर्फ टिक जाती है। दोस्तों ये जो वृक्ष है पीछे, इन्हें हम तोस कैल और देयर के नाम से जानते हैं, देवदार भी है इनमें। तो ठंड की बात करें तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, जिस वजह से अब हम इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं। और अब हमें घर की तरफ प्रस्थान भी करना पड़ेगा। आइए पूछते हैं हमारे छोटे भाई हरीश कुमार जी से कि ठंड कैसी है। तो बताइए हरीश कुमार जी, आपको ठंड कैसी लग रही है? दोस्तों तो ठंड बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है और हमने जैकेट भी नहीं पहनी है, एक कमीज और एक शर्ट में ही आ चुके हैं, तो ठंड लग रही है इसलिए। दोस्तों ठंड की बात करें तो हमें ठंड भी बहुत ज़्यादा होने लगी है। तो आज के इस ब्लॉग को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और आपको मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो दोस्तों मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें ताकि आप मेरा जब मैं नेक्स्ट ब्लॉग अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच सके। थैंक यू।